द्रंग के विधायक पूरण चंद ठाकुर ने कहा कि 7 दिनों से लोक निर्माण विभाग से एक सड़क नहीं खुल रही है, जिस कारण जनता का रोष विभाग के ऊपर जायज है, क्योंकि लोगों को सड़क बंद होने से बहुत परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब बारिश की स्थिति सामान्य हो गई है, जिस कारण लोक निर्माण विभाग को अब सड़कों को खोलने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लिंक सड़कें बहुत समय से बंद है, जिस कारण किसानों और बागवानों की नकदी फसल मंडियों तक पहुँच सके और खराब होने से बच सके। उन्होंने बुधवार को ग्राम पंचायत मासड़ और नागधार का दौरा कर वहां बरसात से प्रभावित हुए लोगों से मिलकर नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रभावितों का नुकसान सरकार के समक्ष रखा है और सरकार से लोगों को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने प्रधान, उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य से कहा कि जो भी नुकसान लोगों का हुआ है, पंचायत के माध्यम से उन लोगों के घरों के आगे सुरक्षा दीवारें लगाई जाए। वहीं उन्होंने प्रशासन को कहा कि जहां जहां लोगों को राशन और अन्य सुविधा नहीं मिली है, वहां पर राशन दिया जाए। उन्होंने कहा कि द्रंग में विधायक विकास निधि से सड़कों को खोलने के लिए पैसे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो जेसीबी मशीनें सड़क को खोलने में लगाई हैं, वे काम कम और आराम ज्यादा कर रही हैं। उन्होंने कहा ऐसी मशीन ना लगाएं जो काम कम और आराम ज्यादा करती हो। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस सरकार किसान और बागवान हितेशी बनती फिरती है, वहीं दूसरी तरफ एक सड़क 7 दिनों से नहीं खुल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV।